हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं भी मस्त हूँ। पहले मुझे ये बताओ भाई, मेरे सिर पे ये जो लाल रंग की टोपी है, आपको कैसी लग रही है? कल मैं और एंडी, हम दोनों गए बाजार, खरड़ के बाजार में गए, पूरा बाजार घूम लिया। एक्चुअली पता है क्या, लास्ट टाइम हम लोग अपने, जब मैं ऑफिस में काम करता था ना महिंद्रा में पठानकोट में, तब वहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग अपने ऑफिस के सारे लोग ना गए थे धर्मशाला घूमने के लिए। जब हम धर्मशाला घूमने गए थे ना, धर्मशाला के अंदर तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग कभी गए हो, वहाँ पे ना बहुत सारी कैप्स मिलती हैं जिसके ऊपर भालू, घोड़ा, हाथी अजीब जैसे मुंह बने होते हैं, लंबे लंबे से, बड़ी प्यारी सी लगती है। मतलब बच्चों के लिए तो नहीं होती, होती बड़ों के लिए है, मगर बहुत प्यारी लगती है। मैंने वो टोपी भाई वहाँ पे खरीदनी थी, मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई 2 मिनट रुक जा, मेरे को कैप देखनी है, मैं कैप ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। भाई बंदे ने रोका नहीं, कहता कोई बात नहीं ब्रो, आगे एक शॉप और है वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे शॉप है तो वहाँ से ले लेंगे। भाई थोड़ा आगे गए, आगे कोई शॉप ही नहीं आई, तो मैं वो कैप ले नहीं पाया। कल मैं और एंडी गए थे बाजार, मैंने कहा एंडी यार मेरे को कैप लेनी है, कोई सर्दी बहुत है, रात को मैं ऑफिस जाता हूँ ना, जिस टाइम धुंध पड़ी होती है बहुत ज़्यादा, गीला हो जाता है पूरा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो एंडी ब्रो टोपी चाहिए। अब एंडी मुझे ले गया भाई बाजार में खरड़ के, एंडी यहाँ का लोकल का रहने वाला भाई, उसको बाजार का ज़्यादा आइडिया है, तो मेरे को ले गया बाजार। हम लोग पूरा बाजार घूमे, काफ़ी सारी मतलब मार्केट में छोटे छोटे स्टॉल्स थे टोपियों वाले। एक स्टॉल के ऊपर मैंने ये वाली टोपी देखी, मुझे बड़ी प्यारी लगी यार। एक्चुअली उसका 2-3 थी, मैंने 2-3 ट्राई करी, सारी की सारी ट्राई करी और मैं कंफ्यूज हो गया 3 टोपी के अंदर। अब मुझे एंडी से पूछना पड़ा, एंडी भाई मुझे ये बताओ इन तीनों में से अच्छी कौन सी लग रही है? तो एंडी कहता यार ये रेड कलर की ना, तेरा रंग भी वाइट है तो तेरे पे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो भाई हमने ये रेड कलर की टोपी ले ली और अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है बताना ज़रूर। बाकी हाँ, मेरा बहुत टाइम से मन था यार ऐसी टोपी खरीदने का, तो मैंने खरीद ली। बाकी यार तुम लोग को एक और बात बताता हूँ, कल का दिन मेरा बहुत अच्छा था, ऑफिस में कल का दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम चल रही है। परसों मैं ऑफिस गया नहीं था, मैंने छुट्टी मार ली थी, तुम लोगों को बताया था उससे पहले जिस दिन मैं ऑफिस गया था ना, उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं ऑफिस चला गया था देखो एग्जैक्टली 10 बजे, मतलब मेरे को था कि मेरा लॉगिन है, 10 बजे मेरे को लॉगिन करना है। जब मैंने 10 बजे लॉगिन किया तो भाई मेरे को वहां पे दिखा कि आप 2 घंटा लेट लॉगिन किया है, तो फिर उसके हिसाब से मेरी शिफ्ट 8 बजे होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या है भाई, आज जब कल रात को जब मैं ऑफिस गया तो मैं उस हिसाब से कहा कि भाई 8 बजे मेरी शिफ्ट होगी, मैं आराम से यहाँ से 7 बजे निकला, 8 बजे ऑफिस पहुंच गया, 8 बजे मैंने लॉगिन कर दिया। जब मैंने अपना वेरिएंट खोल के देखा वहां पे, मुझे पता लगा कि भाई मेरी शिफ्ट तो आज 10 बजे है। तो ये क्या सीन है यार, मतलब एक दिन 8 बजे हो रही है, एक दिन 10 बजे हो रही है, किसी दिन 2 घंटे पहले लॉगिन कर रहा हूँ, किसी दिन 2 घंटे बाद लॉगिन कर रहा हूँ। बट ठीक है, मैंने अपने टीएल को बोला, वो तो ठीक हो गया, हमारी लग गई। और कल का दिन भी बड़ा अच्छा रहा, स्कोर भी अच्छा मेंटेन किया, मजा आया, कल का दिन बहुत बढ़िया रहा। बस यही है, ठंड काफी ज्यादा हो गई है आज भाई, काफी दिनों के बाद यहाँ पे मेरे को धूप देखनी नसीब हुई है। ऊपर देख रहे हो धूप पड़ रही है, बहुत टाइम के बाद भाई धूप पड़ी है, धूप ही नहीं पड़ती यार, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम खरड़ में नहीं रह रहे हैं, कहीं पे हिमाचल पर्वत पे रहते हैं भैया, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तुम लोग बताओ गाइस आपके इलाके में कैसी ठंड है? बाय द वे अगर यहाँ पे कोई गलती से मुंबई वाला देख रहा है तो मुंबई में बताओ यार, मुंबई में कैसी ठंड है, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि मुंबई में ठंड बहुत कम पड़ती है, वहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा रहती है। मतलब मौसम वहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आपको जैकेट वैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, मेरे को अभी भी याद है, वो मुंबई का था, और जब वो हमारे यहाँ पे कॉलेज में आया था ना हमारे साथ में, बंदा अपने साथ में एक भी जैकेट नहीं लेके आया, स्वेटर लेके आया था नॉर्मल से, कुछ खास नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई तू ये कपड़ों में सर्दियां कैसे काटेगा? कहता भाई कितनी ठंड होगी, नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आदत है, मैं रह लूंगा। मैं चल ठीक है ये भी देख लेंगे। जैसे ही सर्दियां आई भाई, वो बंदे की कुल्फी जमी, बंदा मार्केट भागा और जाके जैकेट लेके आया। क्योंकि यार एक्चुअल में ना, मैं वैसे मुंबई तो कभी गया नहीं हूँ, पर्सनली शौक है, मन है मेरा, मैं भी कभी मुंबई जाना चाहता हूँ, बट वैसे कभी गया नहीं हूँ। बट सुना जरूर है कि मुंबई का जो वेदर होता है ना, वो हमेशा एक जैसा रहता है, बारिश काफी पड़ती है मगर गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप में से कोई मुंबई से हो तो कमेंट करके बताना जरूर कहाँ का, वहाँ का मौसम कैसा होता है, क्या होता है। बाकी गाइज जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब एक थोड़ा घर जाने का मन है। देखो नेक्स्ट वीक मोस्ट पब्लिश आज से मेरे 2 वीक ऑफ साथ में आएंगे, मतलब 2 छुट्टियां मिल जाएंगी। अगर मिल गई तो भाई घर जरूर जाएंगे, और जब घर जाएंगे तो व्लॉग अच्छा वाला भी देंगे आपको। फिलहाल तो आप लोगों को मैं अपनी स्टोरियां सुनाता हूँ, और मुझे बताना जरूर आप लोग को मेरी स्टोरीज लगती कैसी है। तुम लोग कमेंट्स नहीं करते यार, अच्छा नहीं लगता। और सब्सक्राइब करा करो भाई, अपने को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचना, कैसे पहुंचोगे भाई? तुम लोग के प्यार में कमी आ रही है दोस्तों, मेरा प्यार बढ़ता जा रहा और तुम लोग का प्यार कम हो रहा, गलत है। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो, और कमेंट तो भाई पक्का करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।